नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अज्ञेय की सांप कविता जो आपके कोर्स में है उसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब मैंने अज्ञेय की भीतर जागा दाता और बावरा एरी नामक कविताएं पढ़ाई थी, कि अज्ञेय तार सप्तक के प्रवर्तक और शलाका पुरुष के रूप में हमारे हिंदी में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अज्ञेय जो है वो प्रयोगवादी जो शिल्प है उसके जनक माने जाते हैं। अज्ञेय ने अपनी रचनाओं को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले कहा था कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच। अर्थात उन्होंने कविता में जो परंपरागत प्रतिमान आ रहे थे उनको छोड़ करके और कुछ नित्य नवीन करने की दृष्टि दिखाई थी। और कहा था कि एक गधा, जो एक मूत्र के घेरे में खड़ा हुआ गधा भी कविता का उपमान हो सकता है। नर्स जो रसोई घर में काम करती स्टोव की तरह चुप है, इस तरीके के उपमान उन्होंने दिए थे। और अब हम उनकी एक कविता, छोटी किंतु बहुत ही प्रासंगिक कविता सांप का अध्ययन करेंगे। यह एक प्रतीकात्मक कविता है। प्रतीकात्मक कविता से तात्पर्य यहाँ पे है कि कोई बात, इसी तरह की कोई बात उस पर ढालकर कही जाती है, तो वो कविता प्रतीकात्मक कविता की श्रेणी में आती है। देखिए, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहां से पाया। अज्ञेय यहां ये कहना चाह रहे हैं कि जो गांव में रहने वाले ग्रामीण मानसिकता परंपरागत मानसिकता के व्यक्ति हैं, वे भोले हैं। ग्रामीण मानसिकता के व्यक्ति भोले हैं, शहर का व्यक्ति नागर व्यक्ति तो बहुत चतुर है। कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं न होगे, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। तुम बिलों में रहते हो, तुम नगर में भी नहीं बसे, लेकिन फिर कहां से तुमने डसना सीखा और विष कहां से पाया। तुमने डसना कहां से सीखा और विष तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ। तुम इस कविता के माध्यम से कवि अज्ञेय व्यंग करते हुए कहना चाहते हैं कि जो सांप जो नगर में नहीं बसा है, जो नहीं आया, इसका मतलब ये है कि ना नगर के व्यक्ति की मानसिकता विशैली होती है, ना गांव के व्यक्ति की मानसिकता विशैली होती है। जो व्यक्ति अपने मन के अंदर जो कटु सोचता है, जो गलत सोचता है, उसकी मानसिकता अपने आप विशैली हो जाती है। जो व्यक्ति नगर में कभी नहीं बसा, लोग ये कहते हैं कि नगर के जो लोग हैं वो चतुर होते हैं, विषैले होते हैं, लेकिन गांव में सांप तो गांव में रहता है, फिर भी उसके पास विष है। विष सांप एक प्रतीक आत्मक कविता है, सांप एक प्रतीक है, प्रतीक भी उसका जिस मानसिकता को, जिस दौर को, जिस घड़ी को आज का जो व्यक्ति है, जो आज का जो आम आदमी है वो लेकर के घूमता है। और हम उस आम आदमी की जो दौड़ने वाली, एक दूसरे को पराजित करके आगे बढ़ने वाली, एक दूसरे को काट करके आगे निकलने वाली जो भी मानसिकता है, विषैली मानसिकता है, आजकल का आदमी भौतिकवाद की दुनिया में इतना अंधा हो गया है विद्यार्थियों, कि वह नहीं मानता कि सामने वाले का कोई वजूद है, उसे सिर्फ अपना चाहिए, वो अपने लिए कुछ भी कर सकता है। आज के दौर में रिश्ते इसीलिए समाप्त हो गए हैं, रिश्ते इसीलिए खत्म हो गए हैं विद्यार्थियों, कि हर आदमी सामने वाले व्यक्ति को एक तरीके से खाने की कोशिश करता है, डसने की कोशिश करता है। तो अज्ञेय व्यंग करते हुए यहाँ कहते हैं कि तुमने ये डसना कहां से सीखा, तुमने ये डसना कहां से पाया। तुम सभ्य तो हुए नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर, तुम गांव में रहते हो, जंगल में रहते हो, फिर तुम सभ्य तो हुए नहीं, लेकिन फिर भी तुमने नगर में बसना तुम्हें नहीं आया, नगर में तुम बसे नहीं हो, फिर भी तुम्हें डसना कहां से सीखा। इसका मतलब ये कि आदमी की जो ये सपीली मानसिकता है, आदमी की जो ये डसने और काट खाने वाली मानसिकता है, वो आज के दौर की देन है एक तरीके से। आज के दौर में जीने के लिए, आज के दौर में जीवित रहने के लिए वांछनीय है। और अज्ञेय ने यहाँ सांप को प्रतीक बना करके आजकल के दौर के व्यक्तियों की बात की है। और वो ये कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति भौतिकता की अंधी दौड़ में इतना अंधा हो रहा है, इतना आगे जाने की कोशिश कर रहा है, कि वह मानने को तैयार नहीं है कि वह विषैला हो चुका है। उसके सारे आवरण, उसके सारी परिस्थितियां, उसके सारे दंड फंद इस तरीके के हो चुके हैं कि सांप भी उनके आगे कहीं ना कहीं नतमस्तक है। और मैं आपको एक बात बताऊंगी कि सांप जो है वो एक विषैली मानसिकता का प्रतीक है। जो व्यक्ति अपने आप में
आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, दूसरे को पराजित कर रहे हैं, दूसरे को कैसे न कैसे छल रहे हैं। सांप यहाँ उनका प्रतीक है। तो यह एक प्रतीकात्मक कविता गे की छोटी कविता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है विद्यार्थियों। जैसा मैंने आपको बावरा एहेरी के दौरान पढ़ाया था कि सांप भी उपमान हो सकता है, नर्स भी उपमान हो सकती है, तो अज्ञेय ने उन सब कविताओं को, उन सब उपमानों को, प्रतीकों को, नए जो मूल्य थे उनको, लघु मानव की महत्ता को यहाँ स्वीकार करते हुए अज्ञेय कहते हैं। और प्रयोगवाद के शलाका पुरुष अज्ञेय इस मामले में कहीं ना कहीं वर्तमान मानसिकता से सामने भी रखते हैं कि जो आज की जो मानसिकता है, जो पुराने प्रतीक है, जो पुराने आडंबर धर्म ध्वज है, वो सब खत्म हो चुके हैं। अब हम अगली कविता जो हमारे कोर्स में है उसका अध्ययन करेंगे। अज्ञेय की चार कविताएं हमारे कोर्स में लगी हुई हैं विद्यार्थियों। अब हमने इन तीन कविताओं का अध्ययन कर लिया, भीतर जगा दाता, बावरा अहेरी और सांप। अब जो हमारे कोर्स में लगी हुई है एक दीप अकेला, वह कविता हम पढ़ेंगे। उसमें लघु मानव की महत्ता को स्वीकार किया गया है, आइए उसको पढ़ते हैं।